हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी किचन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बेसन की रेसिपी बनाएंगे। तो हाँ, आज हम बहुत ही स्वादिष्ट ऐसा बेसन की सब्ज़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आधी कटोरी जितना बेसन लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ, और एक मैंने बड़ा कटा हुआ प्याज लिया है, थोड़े से लिए हैं करी पत्ते, और यहाँ मैंने लिया है हरा धनिया, थोड़े से चॉप किए हुए लहसुन की कुछ कलियाँ, और यहाँ मैंने ली है हरी मिर्च। अब अगर हम आपके घर में कोई सब्ज़ी है नहीं तो आप इस तरह से बेसन की सब्ज़ी बनाकर खा सकते हैं, ये रोटी के साथ, जैसे ज्वारी, या फिर आपके पास बाजरे की रोटी हो इसके साथ और चावलों के साथ, ये बहुत टेस्टी लगता है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए लाइक और सब्सक्राइब, और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। सो थैंक यू फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बेसन का आटा ले लिया है, और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी मिला कर इसे मिक्स करेंगे। तो आप घर में जो आपका नॉर्मल पानी है, इसी से हम इसे इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स कर लेंगे और इसे पतला घोल बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल पतला घोल बना लिया है इस तरह से। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कढ़ाई रखनी है गर्म होने के लिए गैस पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ रख ली है मैंने कढ़ाई, गैस की फ्लेम को कुछ देर के लिए फुल करते हैं और इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच जितना तेल। आपके घर में कोई भी रिफाइंड ऑयल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने तेल डाल दिया है, अब तेल थोड़ा सा गर्म होने का वेट करते हैं। अब फ्रेंड्स, तेल अच्छे से गर्म हुआ तो हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच जितनी राई। तो राई को हम अच्छे से फूलने देंगे। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जितना जीरा। जीरे को भी अच्छे से कलर आ गया तो हम इसमें डालेंगे, गैस की फ्लेम को थोड़ा सा कम करके, करी पत्ते। अब डालते हैं चॉप किया हुआ लहसुन, ये मैंने बारीक चॉप कर लिया है, आप किसी चाकू से भी बारीक काट सकते हैं। थोड़ा सा इसे सुनहरा कलर आ जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे प्याज। अब डाल देते हैं हरी मिर्च। हरी मिर्च को थोड़ा सा इसमें हिला लेंगे। अब डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को हम अच्छे से कलर आने देंगे। और फ्रेंड्स, प्याज के बेसन में प्याज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और थोड़ा सा हम अगर ज़्यादा डालेंगे तो इसमें टेस्ट भी उतनी ही अच्छी आएगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा प्याज डाला है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्याज में थोड़ा सा पिंक कलर आना शुरू हो गया है। हमें प्याज बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, इसे हम इसी स्टेज पर डाल देंगे बेसन का, हमने जो आटा फेंट कर रखा था उसे। तो इसके लिए हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे 2 मिनट के लिए, और बेसन के आटे को डालेंगे और तुरंत ही उसे चलाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बेसन में जल्दी गांठें बन जाती है, तो इसीलिए आप बिल्कुल भी ना रुके, और जैसे ही आप बेसन डालें उसे जल्दी से हिलाना स्टार्ट करें। आप बेसन जो आप घोल कर रखे हो उसमें ही आप अगर हल्दी डाल दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच जितनी हल्दी, और टेस्ट के हिसाब से नमक। तो मैंने यहाँ 1 चम्मच जितना नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और हम इसे इस तरह से गोल गोल चलाते हुए अच्छे से हिला लेंगे, जब तक इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन नहीं आ जाता तब तक हमें हाथ बिल्कुल भी चलाते रहना है। अब आप गैस की फ्लेम को फुल कर दें और इसे चलाते रहें। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन आना शुरू हो गया है, तो इस स्टेज पर अगर आप थोड़े सा रुक कर हिलाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अब बेसन हमारा पकने लगा है अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें
प्याज, हरी मिर्च सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप थोड़ा सा तीखा पसंद करें तो आप हरी मिर्च को ज़्यादा कम कर सकते हैं। ये बेसन चावलों के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स अब इसमें आ गया है उबाल, हम इसे फ्लेम को थोड़ा सा लो करेंगे और इसे दो मिनट तक ढक देंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स दो मिनट के बाद मैंने इसे खोल दिया है और आप देख सकते हैं ये पककर बिल्कुल रेडी है और देखिए इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आया है। अब इस स्टेज पर हम डाल देंगे इसमें हरा धनिया, अगर आपके पास नहीं है तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालें, अदरवाइज इसे आप स्किप कर सकते हैं। तो हम डाल देंगे इसमें हरा धनिया। और इसे अच्छे से फिर से मिला लेंगे, इससे हरा धनिया की जो फ्लेवर है वो इसमें ऐड हो जाएगी और इसकी टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स अब गैस को कर दिया है मैंने बंद। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये सिंपल सोबर रेसिपी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कर दीजिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए मुझे। सो थैंक यू फ्रेंड्स ये वीडियो पूरा देखने के लिए, थैंक यू सो मच।